जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे हों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं भी बढ़िया हूँ, और जैसे कि आपको पता चल गया है कि मैं गांव आ गई हूँ, और आज मैं गांव में ही हूँ, कल मैं उत्तरकाशी जाऊँगी क्योंकि मेरे पेपर है परसों 24 को। और अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, अभी नाश्ता भी नहीं किया हमने, नाश्ता अभी टाइम हो रहा है, 10 बज गए हैं, मतलब 10 मिनट रह गए हैं 10 बजने के लिए। तो अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ, नाश्ता दीदी बनाने नाश्ता किया सब लोगों ने। और अब मैं आपको दोस्तों अभी खाना बन रहा है, खाना दीदी बना रही है दीक्षा दी, और मैं वैसे मैं पढ़ने आई हूँ, मैं थोड़ी देर अब स्टडी करती हूँ, कब से किए नहीं है मैंने। आई पेपर देना हो, कल मैं उत्तरकाशी जाऊँगी, मेरा पेपर है, तो थोड़ी देर पढ़ते हैं, तो मिलते हैं आपको शाम को। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं घास के लिए, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी तो गए नहीं, तो अब जा रहे हैं मैं, मम्मी और दीदी तीनों एक साथ लेके आएंगे। ये देखो, आज पहली बार मैं नहीं ले जा रही हूँ, ये ले जा रहे हैं। तो बगल में भाभी लोग भी हमारे साथ, भाभी और अनामिका, वो भी चल रहे हैं। देखते हैं कौन से खेत में जाते हैं। तो ये हमारा जहाँ पे हम गोबर डालते हैं, ये बहुत ज़्यादा डाल दिया यहाँ पे, और ये थक चुकी है अब। गाइस तो बहुत गोबर डाल दिया हमने, और ये हमारे खेत हैं, ये हमारे नहीं जो हाँ हमारा ये है, यहाँ झंगोरा बो रखा है, झंगोरा की कोदा है, नीचे कुछ नहीं है। तो गाइस अभी उस लड़के की बातें चल रही है, मैंने आपको बताया था, गौरव नोटियाल है उसका नाम। पौधे दिख रहे हैं आपको, ये राजमा है, राजमा हमारे गांव वालों ने, कुछ लोगों ने तो मतलब बो दी है, और कुछ लोग अभी, जैसे कि हम लोग तो हमने अभी लगाई नहीं है क्योंकि बारिश ही हो रही है, तब से लगाने का टाइम नहीं हो रहा, बारिश में लगाई नहीं जाती राजमा। तो गाँव उस साइड हमारा, बगल में आपको सामने से दिखाते हैं, तो ये सामने हमारे गांव की रोड दिख रही है, और ये सामने गांव भी दिख रहा है, और ये रोड जो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे उतरी थी मैं परसों उतरी थी बस से, और ये सामने वाला दूसरा गांव है। यहाँ का मौसम भी और व्यू भी बहुत अच्छा है, देखो इतना मस्त व्यू है अभी का। डोंडे बिट्टे में हम डोंडे बिट्टे में जाते हैं तो प्योर गढ़वाली बोली मैंने अभी, देखा आपने तो आपको बता दें, ढोंडा इसको बोलते हैं, जैसे ऊपर साइड हो गया, और बिट्टा किसको बोलते हैं? बिट्टा भी यही होता है, पर ढोंडा थोड़ा ऊंचा होता है, ढोंडा थोड़ा इससे ज्यादा ऊंचा होता है, जैसे आप देख सकते हैं उसको ढोंडा बोलते हैं, सामने है जो, और इसको बिट्टा बोल, किसको बोलते हैं? तो पहाड़ हिंदी में बोलते हैं ना, ढोंडा गढ़वाली में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बिट्टा, ये जो ऊपर ऊपर दिख रहा है आपको, ये बिट्टे से फर क्या भी जाते हैं कभी कभी। तो वो ये प्योर गढ़वाली जो कि हम बोलते हैं गांव में। अभी इनका भी डिसाइड ही नहीं हुआ, इनका डिसाइड ही नहीं हो रहा है कहाँ जा रहे घास के लिए, तो ये डिस्कस कर रहे, मम्मी का सिर दर्द हो रहा है। तो गाइस गढ़वाली में क्या बोलते हैं, मम्मी बड़ा बैठो, तो ये बैठ गए हैं, अब ये घास ही नहीं निकाल। ये देखो तीनों के तीनों, ये अनामिका है, ये हमारे बगल में भाभी जी, मम्मी और ये बुढ़ी जी, ये थोड़ा हमारे घर से ऊपर साइड रहते हैं, और ये इसमें बैठ गए, अब मैं भी बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तो जब जैसे रास्ते हैं चढ़ने के लिए ऊपर। दोस्तों बाटा नहीं मिल रहा है, बाटा नहीं मिल रहा है, भाभी देखो बाटा ढूंढ रही है इधर उधर। हमें आवाज मार देना जब आओगे, आओगे ना, बोले घास काटना तो कभी नहीं बहनो, ये क्या ये गहत हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा खेत है, हमने वो रखे हैं गहत, अभी छोटे छोटे हैं, हमारा खेत नहीं है ये,
हमारा नहीं है, मैं क्यों दिखा रही हूँ फिर, जिसका भी है पर है घर इतना। उधर कहाँ जा रही है, हमने तो कुछ नहीं बोया था, अभी खाली है। हमारा खेत बांध के हमने क्यों नहीं बोया। तो ये डर नहीं रहा है, हट रहा है। तो बारिश में आजकल होते ही मेंढक। ये ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं, और मम्मी की स्पीड बहुत तेज है, थोड़ा मम्मी देगी हमें। ये बहुत किसान है दोनों, और हमारे घर में मम्मी थोड़ा किसान है, हम दोनों तो सुधी है। तो चलो अब काटते हैं, घर जाते टाइम दिखाएंगे। चलो भाई स्टार्ट, बांधते हैं हम बोत के घास के। ये मम्मी मम्मी का, ये मेरा है, ये इनका है, ये बगल वाला मम्मी का है, मेरा अभी मैंने बांधा नहीं है। अरे ये देखो इनको, इनको छकी नहीं हो रहा है घास निकाल निकाल के, अभी भी और निकाल रहे हैं। तो मम्मी उधर साइड जा रखी है, थोड़ा और निकाल दी है, और मैंने अपने लिए तो निकाल ही लिया है, बहुत है उतना इतना। मेरे लिए निकाल रही मम्मी, मेरा काम हो रखा है। तो दोस्तों मम्मी बोल रही है कि मैंने बहुत ही, सच में सबसे कम मेरा ही है, इतना ही निकाला मैंने, पर थोड़ा सा मम्मी निकाल रही है मिलने वहाँ पे। अरे मम्मी होएगी गड़ो होएगी, क्या होएगी मम्मी जी, भारी हो गया बहुत ज्यादा। तो गाइस नहीं आपने कुछ गढ़वाली में बोला, क्या बोला? गरू होएगी, गरू मींस बताइए। अब हम उसका चाहिए ऐसे बोलते हैं। वाओ ये शाम का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, देखो सामने देख सकते हो, वाओ ये बादल, कितने सुंदर पहाड़ हैं हमारे गांव के, वाओ क्या व्यू है, ये देख सकते हैं। तो गाइस अब हम अपने मेन रास्ते पे पहुंच गए हैं खेत से आके। ये देखो कामीली लड़की है, ये देखो यहाँ से नीचे कैसे उतरे, पहले यही समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस अब हम यहाँ से उतर गए हैं, और अब ये जा रहे हैं, गाइस तो यहाँ पे भाभी लोगों ने भी उठा दिया है, और इन्होंने यहाँ पे निकाला, और हम ऊपर वाले खेत में थे। देखो कितने प्यारे फूल लगे हैं यहाँ पे, और हम अपने गांव के नज़दीक पहुँचने वाले पहुँच गए, मतलब ये देखो गांव के रास्ते पहुँच गए हैं। और ये हमारा गांव है, ये लोग। तो फाइनली ये तो पहुंच गए अपने घर पे, ये देखो इनका भैंस और इनका बैल है, एक इनके पास है और एक हमारे पास है। तो हमारा घर यहाँ से नीचे है रास्ता, तो फाइनली हम भी घर पे पहुंच चुके हैं, और बहुत भारी हो गया ये घास। ये देखो हमारे भैंस के पास तो घास भी नहीं है, और हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो मोनी के गर्दन में दर्द होते हुए, कमर में पीड़ा से तड़प रही है, थोड़ा मुस्कुराइए जरा मोनी। मेरी गर्दन इधर ना इधर। दोस्तों ये देखो हमारी भैंस के पास तो घास भी नहीं है, कीचड़ कीचड़ दिख रहा है वहाँ पे, घास रह नहीं रखा। सो दोस्तों श्रावण के महीने बनाते हैं खीर, तो आज मम्मी ने खीर बनाई, क्योंकि कल मैं उत्तरकाशी जा रही हूँ। तो बहुत मान्यता होती है कि मतलब खीर बनानी ज़रूरी होती है श्रावण के महीने, तो सब लोग बनाते हैं, तो आप लोग भी बनाना अपने घरों में, हमने तो बना लिया आज।
और ये सब ने खा भी लिया खाना। दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग में यहीं पे करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। तो आज वैसे हमने खीर खाई तो जैसे आपने देखा, और सावन के महीने होता है, बहुत मान्यता होती है खीर वगैरह बनाने की भी, ये रिवाज होता है गांव में। तो आपके गांव में भी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।